और चलिए बात करते हैं राजधानी देहरादून की, जहां पर पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक देहात कमलेश उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरी घटना के बारे में जानकारी मुहैया कराई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि नशे के कारोबार करने वालों पर दून पुलिस ने शिकंजा कसा है। उन्होंने बताया कि नशे का कारोबार करने वालों के कब्जे से 8 लाख अनुमानित कीमत की स्मैक बरामद की है। इसमें सहसपुर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये चूंकि हमारे SSP सर के महोदय द्वारा ये एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम बेसिकली चेकिंग भी की जा रही है सभी संदिग्ध वाहनों की, और ये ड्रग फ्री के लिए भी गया, तो इसी में हमें सूचना मिली थी। तो उसमें कल थाना सहसपुर के द्वारा चेकिंग की जा रही थी, सभावाला क्षेत्र में ग्राम माजरी पड़ता है वहां पर। तो ये एक संदिग्ध हमें स्विफ्ट डिजायर मिली, तो उसमें 2 व्यक्ति थे, उनकी बाद में जब चेकिंग की गई, जमा तलाशी ली गई, तो उनके पास से स्मैक मिली है, और ये करीबन 102.50 ग्राम है।